कहानी शुरू होती है रात के वक्त। हम एक आदमी को देखते हैं जो भाग रहा था। उसके पास एक अजीब सा बॉक्स भी था। आखिरकार स्टेशन तक पहुंचता है। अब जब वो ट्रेन में चढ़ने लगता है तो ट्रेन का कंडक्टर, जिसका नाम माइल्स था, वो उससे टिकट मांगता है। मगर उस आदमी को उसकी कोई भी समझ नहीं आ रही थी। वो आदमी ठंड से कांप रहा था और उसे ट्रेन में जाने देता है। अब जब वो आदमी ट्रेन में बैठ जाता है, उसको ट्रेन में एक और मुसाफिर मिलता है जो कि सेल्समैन था। वो उसे पीने के लिए ड्रिंक देता है। अब वो ड्रिंक तो पी लेता है और साथ ही वो नींद की बहुत सारी गोलियां भी खा लेता है, फिर जिसके बाद वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब माइल्स उससे टिकट लेने आता है तो उसको पता चलता है कि वो आदमी तो मर चुका था। ये देखकर वहाँ पर सेल्समैन भी आ जाता है जो माइल्स को बता देता है कि इसने ड्रिंक के साथ नींद की गोलियां ली थी। तभी वहाँ ट्रेन में दूसरी मुसाफिर भी बैठी थी जिसका नाम क्लोए था। ये मेडिकल की स्टूडेंट थी और ये बताती है कि इस आदमी ने बहुत सारी ड्रिंक के साथ नींद की गोलियां खाने की वजह से इसको हार्ट अटैक हुआ है। इसका ऑक्सीजन लेवल इसके दिमाग तक पहुँच नहीं पाया, इस वजह से इस आदमी की मौत हो गई। अब माइल्स वहाँ पर क्लोए और सेल्समैन से कहता है इस आदमी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब सेल्समैन उसी बॉक्स को देखता है जो हमने मरे हुए आदमी के पास मूवी के शुरू में देखा था। सेल्समैन उस बॉक्स को खोलने ही वाला था, वहाँ माइल्स आ जाता है, कहता है ये तुम्हारा सामान नहीं है, तुम इसको वापस रख दो। ये सुनकर वो बॉक्स को वापस रख देता है, लेकिन उस सेल्समैन के दिल में अभी भी लालच थी। वो माइल्स के जाते ही उस बॉक्स को खोल लेता है जिसमें वो कुछ अजीब चीज देखता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और भागकर माइल्स के पास जाता है जो हेड ऑफिस में फोन करके उस मरे हुए आदमी के बारे में बताने वाला था। लेकिन वो सेल्समैन उसको रोक लेता है और उसे भी वो बॉक्स देखने का कहता है। वो जब उस बॉक्स के पास जाता है जिसे क्लोई देख रही थी, माइल्स वो बॉक्स देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अगर माइल्स अभी भी यही सोच रहा था कि बॉक्स उस मरे हुए आदमी का है। अब सेल्समैन जो बहुत लालची था वो कहता है देखो इस बॉक्स की कीमत बहुत ज्यादा है, हम इसे बेच देंगे जिससे हमें पैसे मिलेंगे और हम इसे आधे आधे कर लेंगे। लेकिन माइल्स उसकी बात नहीं सुनता और कहता है तुम्हारे सामने उस आदमी का हाल तुम देख चुके हो और जब इस बॉक्स का मालिक इसको ढूंढते हुए यहाँ तक आएगा तो हम क्या करेंगे, तुम दोनों तो मुसाफिर हो चले जाओगे मगर मुझे इसी ट्रेन में ही रहना है। सेल्समैन कहता है तुम चाहो तो ये नौकरी छोड़ भी सकते हो, पर माइल्स नहीं मानता। तभी पीछे से क्लोई बोलती है हम किसी को बताएंगे ही नहीं इस आदमी के बारे में कि ये ट्रेन में ही मर गया है और तुमने ही तो बताया है इसने टिकट भी नहीं लिया था और इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा या कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा कि वो इस ट्रेन में आया भी था या नहीं। क्लोई वहाँ पर नक्शा देखकर बोलती है कुछ देर बाद ये ट्रेन नदी के पास से गुजरेगी, हम ऐसा करेंगे इस आदमी की लाश को नदी में गिरा देंगे। मगर माइल्स अभी भी इस बात के लिए नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। तभी क्लोए सेल्समैन से कहती है क्या फायदा तुम्हारे सेल्समैन होने का, तुम अभी तक एक कंडक्टर को नहीं मना पाए, उसने अभी तक हेड ऑफिस फोन नहीं किया, उस आदमी के बारे में नहीं बताया कि वो मर चुका है। तभी वहाँ पर माइल्स आ जाता है जिसके पास वो ही बॉक्स था, वो इनके सामने ही उस बॉक्स को एक बड़े डब्बे में लॉक कर देता है। अब जब ये दोनों इसे दोबारा समझाते हैं तो माइल्स भी अब इनका साथ देने के लिए तैयार हो गया था। माइल्स अब कहता है इस लाश को हम ट्रेन के उस डब्बे तक लेकर जाएंगे जहाँ सब मुसाफिरों का सामान है और फिर इस लाश को हम एक सूटकेस में बंद कर बाहर फेंक देंगे। जिसके बाद सेल्समैन ट्रेन में बैठे सभी मुसाफिरों का ध्यान भटकाने लगता है और माइल्स और क्लोए उस आदमी को व्हीलचेयर पर बिठाकर वहां तक ले आते हैं। लेकिन वहां पर जो सूटकेस इन्हें मिलता है उसमें लाश पूरी ही नहीं आ रही थी। इस बात पर सेल्समैन को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है क्या फायदा हुआ हमें इस लाश को यहाँ तक लाने का। तभी क्लोए वहाँ पर किचन से बड़ा सा चाकू लेकर आती है, हम इस लाश को काट कर सूटकेस में रख देंगे तब तो ये पूरी आ जाएगी ना, मगर माइल्स उसको ऐसा करने से मना कर रहा था। तभी वहाँ की लाइट जलने बुझने लगती है और इसी बात का फायदा उठाकर क्लोए उस मरे हुए आदमी का सर काट देती है और कहती है अब तो तुम पुलिस को नहीं बुला सकते, तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं होगा कि इस लाश का सर कैसे कट गया और मेरे बारे में तो तुम बिल्कुल नहीं बताओगे। क्लोए बहुत ही बेरहमी से लाश के जिस्म के हिस्सों को काट देती है और सूटकेस में बंद कर देती है और नदी के आते ही ये सूटकेस को उसमें फेंक देते हैं। मगर तभी वहाँ दूसरा कंडक्टर आ जाता है जो वहाँ का खुला दरवाजा देखकर उसे बंद करने चला जाता है। सेल्समैन और माइल्स दोनों बाहर ही रह गए थे जो सूटकेस को पानी में फेंकने गए थे। क्लोए भी वहाँ का दरवाजा नहीं खोल सकती थी क्योंकि वो कंडक्टर लॉक कर गया था। बाहर भी काफी ज्यादा ठंड थी, माइल्स और सेल्समैन ठंड से कांप रहे थे, वो ठंड की वजह से जमने लगते हैं। क्लोए जल्दी से चाबियां लेकर दरवाजा खोलने जाती है, मगर जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगती है तभी उन चाबियों में उसे वो चाबी मिल जाती है जो उस लॉक की थी, जिस
में माइल्स ने उस बॉक्स को छुपाया था। अब ये देख कर वो दरवाजा नहीं खोलती और उस बॉक्स को लेने भागती है, क्योंकि ये अकेले ही उस बॉक्स को लेना चाहती थी। लेकिन अचानक से उसके पास ट्रेन की छत से माइल्स आ गया था और अब वो दरवाजा खोलकर सेल्समैन को भी बचा लेता है। अब ये तीनों दोबारा से उस बॉक्स के पास जाते हैं, मगर वो बॉक्स इनसे नहीं खुलता। माइल्स बहुत कोशिश करता है, मगर वो बॉक्स तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोबारा से बॉक्स को लॉक में बंद कर देता है। अब जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो तभी माइल्स के पास एक आदमी आता है और कहता है, मुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिली, क्या तुम मुझे दे सकते हो? पहले तो माइल्स उसको हाँ कर देता है, मगर जब वो उसके हाथ को देखता है जिसमें उसने वैसी ही अंगूठी पहनी हुई थी जैसी उस मरे हुए आदमी ने, माइल्स ये देख कर थोड़ा डर जाता है और उस आदमी से कहता है, सॉरी सर, और ज्यादा मुसाफिरों के लिए जगह नहीं है। अब वो आदमी उसे काफी मनाने की भी कोशिश करता है, कहता है, देखो मेरी बात तो सुनो, मुझे एक आदमी से मिलना है। अब जैसे ही वो उस आदमी का हुलिया बताता है जो मर गया था और जिसके पास बॉक्स था, तो माइल्स साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब जब माइल्स दोबारा से ट्रेन में आता है तो देखता है वो आदमी वही ट्रेन में बैठा था जिसको दूसरे कंडक्टर ने जगह दी थी। वो आदमी कहता है, तुमने मुझे सही जवाब क्यों नहीं दिया जब मैंने तुमसे पूछा अपने साथी के बारे में? उस आदमी को माइल्स पर शक हो गया था। वो क्लोई और सेल्समैन पर भी गन कर लेता है और कहता है, मैं यहाँ पर जो लेने आया हूँ वो मुझे दे दो। ये आदमी भी दरअसल उसी बॉक्स के पीछे आया था। माइल्स उसको वो बॉक्स दे देता है और जैसे ही वो आदमी उस बॉक्स को पकड़ता है, वो बहुत गर्म था जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है। इस बात का फायदा उठाकर सेल्समैन वो गन उठा लेता है और उसी आदमी की तरफ कर देता है, मगर वो आदमी कहता है, देखो मुझे ये बॉक्स खत्म करने दो, मेरे पास इसकी चाबी है, वरना ना जाने कितने आदमी इस बॉक्स के पीछे आएंगे और ऐसे ही मारे। सेल्समैन कहता है, ठीक है तुम इसे खत्म कर दो, पर इसमें जो खजाना है वो मुझे दे दो। वो आदमी समझ चुका था कि इसने इस बॉक्स के अंदर देखा है। वो उसे बताता है, जो भी इस बॉक्स के अंदर देखता है वो सुबह का सूरज निकलने से पहले मर जाता है। अब जैसे ही बातों में लगाकर वो आदमी सेल्समैन से गन छीनता है, उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और गोली लगने की वजह से वो आदमी मर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन तीनों को उस बॉक्स में अलग अलग चीजें नजर आई थी। जैसे ही अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, पुलिस भी चेकिंग करने आ जाती है। क्लोई माइल से कहती है कि तुम सूटकेस लेने जाओ जिससे मैं उस आदमी की लाश को ठिकाने लगा सकूं। मगर माइल जबाके इसका साथ देना नहीं चाहता था। ये उसे धमकाती है और कहती है, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगी। मगर पुलिस अभी भी ट्रेन में ही मौजूद थी। माइल सब उधर से भागने की कोशिश करता है, तभी वो देखता है सेल्समैन भी उस आदमी के साथ मर चुका था। जैसे उस आदमी ने कहा था कि इस बॉक्स को जो भी देखेगा वो मारा जाएगा। पुलिस को भी माइल्स पर शक हो जाता है। पुलिस ऑफिसर जैसे ही उस पर गन करता है, उधर क्लोई आकर उसको भी मार देती है और उसकी गन लेकर माइल्स से सभी लाशों को छुपाने का कहती है। लेकिन अब वो उसको समझाता है, देखो समझने की कोशिश करो, अगर हमने इस बॉक्स को खत्म नहीं किया तो ये पता नहीं कितने लोगों की जान लेगा। अब माइल्स उस बॉक्स को लेने जाता है, मगर वो तो उस जगह पर था ही नहीं। ये क्लोई को उसी जगह बंद कर भाग जाता है जहाँ पर इसने उस बॉक्स को छुपाया था। ये दूसरे कंडक्टर के पास आता है जिसके पास उस लॉक की चाबी थी। ये उसे वो बॉक्स मांगता है, मगर वो तो देने से साफ इनकार कर देता है, कहता है वो बॉक्स तो मेरा है। I'm keeping the gold for myself. माइल कहता है वो बॉक्स बहुत खतरनाक है। तभी दूसरा कंडक्टर कहता है, अच्छा अगर वो ऐसा है तो तुमने इतने लोगों को क्यों मारा? मैं सब जानता हूँ, उसमें खजाना है। तभी वहाँ पर क्लोई भी आ जाती है जिसके पास गन थी। वो कंडक्टर के पाँव पर गोली मार देती है और उससे कहती है कि मुझे वो बॉक्स दे दो। तभी वहाँ एक अनजान आदमी आकर कंडक्टर को गोली मार देता है। माइल्स जब उधर आकर देखता है, वहाँ पर क्लोई भी गिरी हुई थी, यानी कि किसी ने क्लोई को भी मार दिया था। वहीं पर एक मुसाफिर खड़ा था जो पान से था, जिसके पास गन थी। माइल्स देखकर ये समझता है कि इसने ही दोनों को मारा होगा। अब ये जल्दी से ट्रेन के दूसरे मुसाफिर के पास जाता है और कहता है, इस ट्रेन में कातिल घूम रहे हैं। तभी वो उस औरत का बैग देखता है जिससे खून टपक रहा था। माइल्स इससे पहले कुछ समझता, वो औरत कहती है, उनको तो मरना ही था जो मेरे रास्ते में आ रहे थे। तभी वहाँ जापानी मुसाफिर आकर गोलियां चला देता है, जिससे औरत भी उस पर गोलियां चलाती है और दोनों मर जाते हैं। इसका मतलब ये था कि ट्रेन के सब मुसाफिर उस बॉक्स के पीछे थे। तभी वहाँ जापानी मुसाफिर का साथी आकर माइल से कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। जैसे ही ये बॉक्स को खत्म करने आगे बढ़ता है, वो कहता है, इसे मुझे दे दो, मैं अपनी गवर्नमेंट को दिखाऊंगा। उधर ही ट्रेन का इंजीनियर भी आ जाता है जो बताता है कि ट्रेन का इंजन खराब हो चुका है
रेडियो भी काम नहीं कर रहे, हम किसी भी तरह ट्रेन को नहीं रोक सकते। तभी हम देखते हैं क्लोए अभी भी जिंदा थी, वो मरी नहीं थी, क्योंकि जो उसको गोली लगी थी वो बस उसके पास से गुजरी थी, जिससे वो बेहोश हो गई थी। अब क्लोए उधर माइल्स के अलावा बाकी सबको एक एक कर गन से मार देती है, जिसके बाद बॉक्स माइल्स से ले लेती है। वो उसे समझाता है, देखो ये बॉक्स हम दोनों को भी एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर देगा। क्लोए कहती है, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, ये बॉक्स मुझे बहुत पसंद करता है। मगर माइल्स उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। वो बॉक्स लेकर उसको खोलने की कोशिश करता है, उस आदमी की चीजें चेक करता है जो मर चुका था। तभी उसको उसके हाथ में अंगूठी नजर आती है और वो अंगूठी को उसके हाथ से उतार लेता है, फिर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। अब क्लोए को भी होश आ गया था, वो माइल्स के साथ लड़ती है और इसी लड़ाई में बॉक्स ट्रेन से नीचे गिर जाता है। क्लोए उसे उठाने की कोशिश करती है, तभी वो बुरी तरह से ट्रेन से लटक जाती है। माइल उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर उसके जिस्म के दो हिस्से हो जाते हैं और क्लोए भी मर जाती है। हम देखते हैं माइल्स ट्रेन की पटरी पर बॉक्स को ढूंढ रहा था, उसे बॉक्स मिल जाता है, जिसके बाद वो उसे अंगूठी की मदद से खोलता है। उसमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी, अब उसे खत्म करने के लिए ट्रेन की पटरी पर रख देता है। अब जैसे ही वहाँ ट्रेन आती है, तभी वहाँ पटरी पर एक डॉग आ गया था, वो बॉक्स को नीचे गिरा देता है और बॉक्स खुद ही बंद हो जाता है, उसे कुछ भी नहीं होता। माइल्स भी उधर सर्दी की वजह से मर जाता है। अब ये बॉक्स वहाँ पर एक छोटी बच्ची को मिलता है, जो उसे देख कर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। शायद वो भी अब उस बॉक्स के कंट्रोल में थी, मतलब जो भी इसको देखता था वो इसके कंट्रोल में आ जाता था और अपनी लालच के मुताबिक उन लोगों को चीजें नजर आती थी, जैसे सेल्समैन, फिर क्लोए और माइल्स, मगर कोई भी जिंदा नहीं बचा। अब ये बॉक्स कहां से आया कोई नहीं जानता था। इसी सवाल के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।